नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। पावर ग्रिड स्टॉक बहुत ही जल्द एक और रिटर्न दे सकता है, एक ज़बरदस्त तेजी दिखा सकता है। इसके पीछे क्या अपडेट है उसको लेकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और स्टॉक कितना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग इसमें खरीदारी करने का सोच सकते हैं, वो भी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो पावर ग्रिड शेयर में अगर देखेंगे दोस्तों, एक दिन में जो है एक अच्छा खासा तेज़ी बनता हुआ दिखा है। इसके चलते आप देखेंगे तो पावर ग्रिड में जो एक बहुत बड़ा अपडेट भी देखने को मिल रहा है, वो भी हम लोग इस वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ, और स्टॉक में अभी क्या करना चाहिए वो भी हम लोग देखेंगे। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो पे पूरा बने रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। तो दोस्तों, पावर ग्रिड में आप देख सकते हैं जो शेयर में एक तेजी बना है उसके पीछे यह है कि पावर ग्रिड के जो बोर्ड है उन लोगों ने 803 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट, मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स है उसमें 803 करोड़ जो है इन्वेस्ट करेगा, उसका अप्रूवल दे चुका है फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में 803 करोड़ पावर ग्रिड इन्वेस्ट करेगा, इसके लिए बोर्ड से अप्रूवल मिल चुका है और इसका स्टॉक में तेजी बन रहा है। अभी ये क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, अगर कोई भी हम लोग देखेंगे तो इसमें जो चल रहा है, जो ये एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा है जहां पे 803 करोड़ ये लोग इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा आगे चल के पावर ग्रिड को हो सकता है। और ऐसे भी अगर ये शेयर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया शेयर लगता है। यहाँ पे चलिए समझते हैं क्या कहा जा रहा है। तो आप देखेंगे तो एक ही दिन में जो है स्टॉक में एक यहाँ पे लगभग जो एक बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत तेज़ी शेयर में बनता हुआ दिखा है, और 803 करोड़ जो है वेरियस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में जो है, मतलब बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है कंट्री में, उसमें 803 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। विद द वीकनेस इन ओवरऑल मार्केट द स्टॉक बिटवीन लॉसेस एंड गेंस एट 9.34, मतलब जो एक दिन का था, शेयर्स ऑफ द कंपनी वर ट्रेडिंग 0.1% हायर एट 215.25 ऑन द बी एस सी। तो शेयर मार्केट में गिरावट बन रहा है, गिरावट चल रहा है, तो वैसा कुछ शेयर्स आपको दिखेगा जो रिटर्न या फिर तेजी दिखा रहा है। पावर ग्रिड में 0.1% का तेजी बना है, और इसका जो प्रोजेक्ट था, एडिशनली वन ऑफ द प्रोजेक्ट वाज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेस्टर्न रीजनल एक्सपेंशन स्कीम XXV एस्टिमेटेड एट कॉस्ट 385.84 करोड़, व्हिच वाज शेड्यूल्ड टू बी कमीशन्ड बाय नवंबर 2023। तो ये जो इन लोगों के पास कुछ प्रोजेक्ट है पावर ग्रिड का, उसमें से एक प्रोजेक्ट 2023 के नवंबर में कमीशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और इसका जो कॉस्ट है वो है 385.84 करोड़ का। दिस प्रोजेक्ट एम्ड टू एक्सपेंड द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री, व्हिच कुड पोटेंशियली लीड टू इंक्रीज डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे अगर देखते हैं, मतलब समझते हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट है इन लोगों का, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वेस्टर्न रीजन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड आगे चल के बढ़ सकता है, और उसके चलते ये प्रोजेक्ट अभी हो रहा है और बहुत ही जल्दी जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा। बोर्ड आप देखते हैं तो यहाँ पे जो है और भी कुछ प्रोजेक्ट से पावर ग्रिड का, जिसको बोर्ड के ओर से, पावर ग्रिड के बोर्ड के ओर से अप्रूवल मिल चुका है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक्सपेंशन स्कीम XX एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 109.38 करोड़। तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कॉस्ट का है, वो है जो वेस्टर्न रीजन में चल रहा है, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चल रहा है, उसका जो कॉस्ट है बताया जा रहा है कि 109.38 करोड़ का। दिस प्रोजेक्ट वॉज शेड्यूल टू बी कमीशन बाई नवंबर 2024 एंड इट एम्ड टू स्ट्रेंथन द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नॉर्थ रीजन ऑफ द कंट्री। तो ये और एक प्रोजेक्ट है, तो दो प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐसा है जो इन लोगों का लगभग एक दो साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी हैड ऑल्सो अप्रूव्ड अ स्कीम टू रिलीव हाई लोडिंग ऑफ WRNR इंटर रीजनल कॉरिडोर व्हिच वॉज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 200.58 करोड़ एंड शेड्यूल टू बी कमीशन बाई मई 2024। अनदर प्रोजेक्ट वॉज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे लगभग चार ऐसे प्रोजेक्ट है जो बोल सकते हैं कि पावर ग्रिड के ओर से, बोर्ड के ओर से अप्रूवल मिल चुका है ये चार प्रोजेक्ट में 803 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए।
तो ये जो चारों प्रोजेक्ट है दोस्तों बहुत ही जल्दी कुछ सालों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, तो ज़रूर कंपनी को इसमें भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और उसी के चलते पावर ग्रिड का जो शेयर है इसमें भी तेज़ी बन सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर ग्रिड का जो स्टॉक है फिलहाल अगर बात करते हैं जो इसका टेक्निकली ये शेयर जो है कैसा है कि हम लोग यहाँ पे एक बार सोच सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इसका डिटेल में हम लोग थोड़ा देखते हैं पावर ग्रिड का। तो दोस्तों यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर पावर ग्रिड के शेयर में लो प्राइस जो बनाया है इसने वो है 212.40 पैसे का, हाई प्राइस दिया है 220 रुपीज़ का। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो एक महीने के अंदर लो प्राइस बनाया है वो है 210.40 पैसे का एंड हाई प्राइस बनाया 225 रुपीज़ का। तीन महीने के अंदर पावर ग्रिड के शेयर में 204.30 पैसे का लो प्राइस बनाया और हाई प्राइस दिया है 228.30 पैसे का। टेक्निकली पावर ग्रिड का शेयर न्यूट्रल लेवल पे है और ये शेयर RSI जो इंडिकेटर है वो कह रहा है कि ये जो शेयर है भाई ना कि ओवरसोल्ड जोन में है ना कि ओवरबोर्ड जोन में है। तो इस शेयर में अभी लगता है कि थोड़ा बहुत हम लोग सोच सकते हैं खरीदारी करने के लिए। तो MACD का इंडिकेटर कह रहा है कि ये जो शेयर है बुलिश है। तो आप यहाँ पे कुछ चीज़ अगर देखते हैं जो बोल सकते हैं कि जो RSI का इंडिकेटर है वो कह रहा है कि भाई ये शेयर ना कि ओवरबोर्ड जोन में है ना कि ओवरसोल्ड जोन में है। तो ओवरसोल्ड जोन में होता है तो उसमें से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है और ओवरबोट जोन में होता है तो उसमें से गिरावट बनता है। तो ये शेयर यहाँ से तेज़ी ज़रूर बना सकता है। MACD इंडिकेटर कह रहा है कि ये जो स्टॉक है पावर ग्रिड का ये बुलिश लेवल बना रहा है, बुलिश पैटर्न बना रहा है। तो बुलिश लेवल से हम लोग अगर इस स्टॉक को देखेंगे तो ज़रूर यहाँ से तेज़ी बन सकता है। अभी दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग देखते हैं तो जो 30 सितंबर 2022 क्वार्टर में प्रोमोटर्स के पास स्टेक था 51.34% का, 31 दिसंबर 2022 क्वार्टर में प्रोमोटर्स के पास उतना स्टेक है 51.34% का। बात करते हैं दोस्तों जो FIS है, FIS के पास 30 सितंबर 2022 क्वार्टर में 31.70% का स्टेक था और FIS आप देख सकते हैं 32.76% स्टेक कर दिया है 31 दिसंबर 2022 में। FIS यहाँ पे स्टेक बढ़ा दिया है दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड के पास 8.31% का स्टेक था, म्यूचुअल फंड ने भी स्टेक बढ़ाया 8.46% का स्टेक, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 5.49% का स्टेक था और अदर इंस्टीट्यूशन जो स्टेक यहाँ पे कम कर दिया है 4.29% कर दिया है। पब्लिक जो है 3.16% का स्टेक था उतना स्टेक रखा है। तो दोस्तों FIS ने स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड ने स्टेक बढ़ाया है। तो अगर आप देखते इसको समझते हैं तो FIS म्यूचुअल फंड स्टेक बढ़ा रहे हैं इस क्वार्टर में। कंपनी का जो अभी एक अपडेट देखने को मिला जहाँ पे अप्रूवल मिल गया एक बहुत बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा अमाउंट का 803 करोड़ का। तो ये शेयर अगर हम लोग देखते हैं अभी यहाँ से 215-16 रुपए के आसपास भी लेते हैं तो 225-26 रुपए के आसपास आराम से देखने को मिल सकता है। थोड़ा समय आपको होल्ड करना पड़ सकता है। अभी इस पर आप देखिए अगर तो जो इसका डिविडेंड है पावर ग्रिड का, पावर ग्रिड का जो डिविडेंड देता है तो अभी तक जो है कंपनी अगर देखेंगे तो यहाँ पे डिविडेंड 35 डिविडेंड्स दे चुका है और लास्ट 12 महीने में 25 पैसे का जो पर शेयर इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो दोस्तों इसके अभी जो इसने एक डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो था 5 रुपये का 5/8/2023 में, उसके पहले जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो था 5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड, ये भी इंटरिम डिविडेंड इसके, और इसके पहले 2.25 पैसे का, उसके पहले 5.50 पैसे का। तो डिविडेंड के मामले में बढ़िया शेयर है, स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली ये कंपनी। एक बार ज़रूर आप सोच सकते हैं स्टॉक को लेके और रिक्वेस्ट करेंगे खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह रहे आपको पावर ग्रिड का शेयर खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है पावर ग्रिड के स्टॉक को लेके ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं, उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।